हाँ मित्रों, चलते बिना समय के बारे शुरू करते हैं। प्रधान शिक्षा परीक्षा की तैयारी वर्ग 9 क्लास का है, भूगोल है। पुस्तक का नाम है भारत भूमि एवं लोक और पाठ का नाम है स्थिति एवं विस्तार। चलिए पहला सवाल शुरू करते हैं। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, तो वह क्षेत्र तो इसका क्षेत्रफल कितना है? चलिए देखते हैं इसका आंसर। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। आगे, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप कौन सा है? चलिए देखते हैं इसका आंसर। लक्षद्वीप। आगे, वह कौन सा स्थान है जिनकी स्थिति तीन समुद्रों के मिलन स्थल पर है? यह उस स्थान का नाम बताना है। देखते हैं इसका आंसर। कन्याकुमारी। आगे, भारतीय उपमहाद्वीप कितने पड़ोसी देशों से मिलकर बना है? चलिए देखते हैं इसका आंसर। 7 पड़ोसी देशों से। आगे, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? जो कर्क रेखा हमारे भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है? जी हाँ, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। देखते हैं कौन कौन है। इसका शॉर्ट नाम है मित्रपर गमछा झार, यानी मित्र माने मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। 8वां है झारखंड। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत का क्षांशीय विस्तार में लगभग कितनी डिग्री का अंतर है? देखते हैं इसका आंसर। 30 डिग्री का। आगे चलते हैं बिना समय गवाए हुए, आगे बढ़ते हैं। मेरे से मेरा चैनल का नाम पंकज पटेल, सर्च करके जरूर देखिएगा। कौन सी खाड़ी भारत को श्रीलंका से अलग करती है? कौन सी खाड़ी भारत को श्रीलंका से अलग करती है? जी बताइए। मन्नार की खाड़ी। आगे, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है? भारत और चीन के, जी हाँ, मैकमोहन रेखा या मैकमोहन लाइन। ठीक है, आगे, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल स्थल भाग के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? जी हाँ, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल स्थल भाग के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? चलिए देखते हैं इसका आंसर। 2.4%। आगे, भारत की स्थिति एशिया के किस भाग में है? भारत की स्थिति एशिया के किस भाग में है? जी बताइए। चलिए देखते हैं इसका आंसर। दक्षिणी भाग में। आगे, कौन सी अक्षांश रेखा भारत को दो भागों में बराबर बांटती है? कौन सी अक्षांश रेखा भारत के दो बराबर भागों में बांटती है? जी बताइए। देखते हैं इसका आंसर। 23.30 उत्तरी अक्षांश। ठीक है, आगे, 23.30 उत्तरी अक्षांश। आगे, विश्व में सबसे बड़ा गणतंत्र राष्ट्र कौन सा है? देखते हैं, भारत। आगे, भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? यानी सूर्योदय सबसे पहले होता है, सूर्य उगता है, यह है अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ मेरा चैनल का पंकज पढ़ते हैं, सर्च करके जरूर देखिएगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। भारत की मानक मध्याह्न रेखा का मान कितना है? देखते हैं। 82.30 पूर्व देशांतर। आगे, भारत की स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा के लगभग कितनी बड़ी है? जी हाँ, दुगनी है। यहाँ तक पढ़ने के थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।